याद रखिएगा कि इस वक्त आलम इस्लाम को किरदार, साहिब किरदार लोगों की ज़रूरत है। नमाजी बहुत हैं मेरे अज़ीज़ो, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन से भी तादाद में ज़्यादा नमाजी मौजूद हैं। हाजी बहुत हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमईन से ज़्यादा हाजी मौजूद हैं। ताजगुदार बहुत हैं, रोज़ेदार बहुत हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ो साहिब किरदार नहीं है। उम्मत को इस वक्त साहिब किरदार लोगों की ज़रूरत है, जो दुश्मन की भी कड़वी गसीरी को बर्दाश्त करें, जो दुश्मन के निश्तर लगे हुए को बर्दाश्त कर जाए, उनसे पहचान होगी आलम इस्लाम की। इस वक्त ज़रूरत है आलम इस्लाम की। मेरा दीदो, एक सहाबी को कोई शख्स बुरा कलमा कहता है तो क्या फरमाते हैं कि मैं पुल सरात पार कर गया तो तेरे बातों की कोई हैसियत नहीं, पुल सरात ना कर रहा कर सका तो फिर मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हूँ जितना तू कह रहा है। मेरा दीदो, क्या आज हम बर्दाश्त करेंगे? फिर आगे थे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को एक शख्स गालियाँ देता है और गालियाँ देता हुआ पीछे चला जाता है। मेरा दीदो, जब उनका दिल नहीं था, उनकी ज़बान नहीं थी, वो भी ज़बान जवाब दे सकते थे, दिल में भी कुछ कर सकते थे। फरमाया, गालियाँ सुनते गए, कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दीदो, जब घर करीब आए तो फरमाया, नौजवान अब तू चले जा, कि यह सुनो मेरे मोहल्ले के मेरे लोगों इलाके के लोगों ने देख लिया तो आपको मारेंगे, मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ हो। मेरे दीदो, इस किरदार की ज़रूरत है। क्या खैर, तो मेरे दीदो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने वो बयान कर रहे थे तो एक शख्स खड़ा हुआ कि आप तो हरामी हैं, तो फरमाया, देखो मुझे और आपको कोई कहे तो हमारा रद्द अमल क्या होगा? फरमाया, नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैं हरामी नहीं हूँ, मेरी माँ और बाप के निकाह के गवाह दिल्ली में आज भी मौजूद हैं, आपको गलत फहमी हुई है। तो एक किसी तरह गालिबन हजरत मिर्ज़ा जाना जाना रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कहा कि आप हरामी हैं, उनको है या उनके हमसर कोई बुजुर्ग हैं? फरमाया, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो आगे चलकर किसी ने कहा, शागिर्द मुतल्लिक क्यों साथ थे, यही थे या इनके हम असल कोई बुजुर्ग थे? हजरत, आपको तो ये कहा, तो फरमाया, नहीं, उसने तो सवाल पूछा था कि आप हरामी हैं, तो मैंने कहा, नहीं, मैं हरामी नहीं हूँ, बस सवाल पूछा था। मेरा दीदो, कम अज़ कम इस दर्जे में आकर हम जवाब दे देंगे, अगर कोई सवाल बना दे, बुराई का जवाब मेरे नबी ने नहीं दिया। मेरा दीदो, इस किरदार की सब ज़रूरत है। इस्लाम को तकवीत पहुँचेगी, दीन को तकवीत पहुँचेगी, दीन की सही तस्वीर आएगी लोगों के सामने। लोगों को इस्लाम से नफरत नहीं है मेरा दीदो, लोगों को दीन से नफरत नहीं है मेरा दीदो, शरीयत से नफरत नहीं है लोगों को मेरा दीदो। आज मेरे और आपके घटिया किरदार की वजह से लोग उंगली उठाते हैं दीन पर, शरीयत पर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लोग गलत कार्टून बनाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा दीदो उसका ज़रिया हम हैं। हमारा घटिया और बुरा किरदार लोगों को मुतनफ़िर करता है मेरे दीदो। अल्लाह नहीं फरमाते, शरीयत में नहीं है किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो, तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। और हम मेरे दीदो, आज मैं बार बार कहा करता हूँ अपने साथियों, तो खुदा के लिए अपने नबी को खुश नहीं कर सकते तो अपने नबी के लिए बदनामी का ज़रिया ना बने, शरीयत पर अमल नहीं कर सकते शरीयत के लिए बदनामी का ज़रिया ना बने, इस्लाम की पहचान नहीं बन सकते तो इस्लाम की पहचान मिटाने में ज़रिया तो ना बने। मेरे दीदो, मैं जानता हूँ हज़रत शेख इस्लाम इस वक्त आलम इस्लाम के हीरो हज़रत अकदस मौलाना तक जुमानी साहब, उनके बयान में मस्जिद में उन्हीं के घर की मस्जिद में एक शख्स आता है, मौलवी गलत कर रहे हो, शोर कर रहे हो। तुमने फरमाया, भई अगर हम तहकीक करवाएंगे, अगर मेरे इस बयान से लाउड स्पीकर की आवाज़ से किसी को तकलीफ पहुँचती है तो हम बंद कर देंगे, हालांकि अगर चाहते तो उसको पकड़ कर लंबा करवा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन मेरे दीदो उन्होंने जो हमने दिया, अल्लाह जिसको भी नवाजते हैं इस सबसे नुमाया सिफत की वजह से नवाजते हैं। मेरे दीदो, आइए हम अहद करें, हम ये वादा करें, हम ये तय कर लें, हम इस्लाम की पहचान बनेंगे, इस्लाम की पहचान किरदार से बनेगी, साहिब किरदार बने, उसकी इब्तदा बर्दाश्त से करें कि मेरे नबी अल्लाह ज़ैद बिन सोना यहूदी है, पहचान के लिए आया है, मेरे नबी तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं, उसने कहा मैं सिर्फ पहचान के लिए आया था। हमें भी जो बुरा कहते हैं हम ये समझ लें कि शायद इस्लाम की पहचान, मुसलमान की पहचान के लिए हमें कोई आजमा रहा है।
आइए हम तय कर लें आज के बाद कभी भी किसी को कोई बुरा कलमात या बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे।